सिकल सेल डिसीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ होना चाहिए, जो आपको इस वीडियो के पार्ट वन में मिलेगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसका पार्ट वन जरूर देखें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार, आई वेलकम टू मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज चैनल। लेट्स स्टार्ट टॉपिक विथआउट डिले। व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया इज अ हेरिडेटरी क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया। हेरिडेटरी यानी कि माता पिता के, पेरेंट के क्वालिटी और बीमारी का बच्चों में पास होना। हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि समय से पहले आरबीसी का नष्ट हो जाना। नॉर्मली आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन इस डिसीज में आरबीसी 10 से 20 दिनों में ही नष्ट हो जाता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ सिकलिन ड्यूरिंग विच आरबीसीस बिकम अबनॉर्मली क्रिसेंट शेप। यानी कि आरबीसीस का बार बार सिकल शेप में बनना, हसियाकार में बनना इसकी विशेषता है, जिसके दौरान आरबीसी असाधारण आधा चांद हसिया के रूप में बनता है। दिस डिसऑर्डर इज ट्रांसमिटेड यानी कि ये डिसऑर्डर माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होता है, माता पिता से बच्चों में पास होता है। एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट। ऑटोसोमल रिसेसिव यानी कि टू कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीन, दो कॉपी खराब जीन माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। माता पिता दोनों से ही एक एक म्यूटेटेड जीन, खराब जीन का कॉपी बच्चों में पास होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एक म्यूटेटेड जीन पास होता है तो उसे सिकल सेल डिसीज करियर कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता और वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन अगर दो जीन, एक माता और एक पिता, दोनों से ही खराब जीन बच्चे में पास होता है, तभी उसे सिकल सेल डिसीज पेशेंट कहते हैं। दिस डिफेक्ट कॉजेस सिंथेसिस ऑफ अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन विद इन द रेड ब्लड सेल। यानी कि इस डिफेक्ट जीन के कारण आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अबनॉर्मल आकार का बनता है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल ना हो के अबनॉर्मल बन जाता है। सिकल सेल एनीमिया कैन सिग्निफिकेंटली शॉर्टन लाइफ स्पैन विथ मोस्ट डेथ अकरिंग ड्यू टू इन्फेक्शन। सिकल सेल एनीमिया जीवन काल को काफ़ी कम कर सकता है और जो डेथ होता है वो मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। कॉजेस ऑफ सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज होने की वजह क्या है? आखिर क्या कारण है सिकल सेल डिसीज होने का? सिकल सेल डिसीज इज अ जेनेटिक कंडीशन डेट इज प्रेजेंट एट बर्थ। यानी कि यह माता पिता से ट्रांसफर होने वाला डिसीज है जो जन्म से ही प्रेजेंट होता है। सिकल सेल डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रॉब्लम इन द हीमोग्लोबिन बीटा जीन फाउंड ऑन क्रोमोजोम नंबर 11। यानी कि सिकल सेल डिसीज होने का कारण है हीमोग्लोबिन के बीटा जीन में प्रॉब्लम का होना, जो कि क्रोमोजोम नंबर 11 में पाया जाता है। आपको मैंने पिछले वीडियो के हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बताया था कि हीमोग्लोबिन दो अल्फा और दो बीटा चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें दोनों बीटा चेन को बनाने का काम क्रोमोजोम नंबर 11 का है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में 23 पेयर क्रोमोजोम पाया जाता है, जिसमें का 11वां नंबर का क्रोमोजोम हीमोग्लोबिन के बीटा चेन को बनाने का काम करता है। इन दिस डिसीज चाइल्ड रिसीव्स टू सिकल सेल जीन वन फ्रॉम इच पेरेंट। इस डिसीज में बच्चा दो सिकल सेल जीन को रिसीव करता है, एक माता से और एक पिता से। मैंने आपको बताया था कि दोनों जीन में म्यूटेशन होगा, खराबी होगा, तभी उसे सिकल सेल डिसीज कहेंगे। अगर एक जीन में म्यूटेशन है, खराबी है, तो उसे सिकल सेल डिसीज करियर कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल डिसीज। इसके अंदर हम दो हेडिंग को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन एस एंड रेड ब्लड सेल सिकलिन। आखिर कैसे आरबीसीस नॉर्मल शेप से हसिया शेप में बनने लगता है। सेकंड, सिकल सेल डिसीज प्रोसेस। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन एस एंड रेड ब्लड सेल सिकलिन। आखिर कैसे आरबीसीस नॉर्मल शेप से हसिया शेप में बनने लगता है। सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिसीज इज कॉज्ड बाय एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में दो सिकल सेल जीन पास होता है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन का जो बनने की प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन कम्प्लीटली ठीक से बन नहीं पाता है।
चूँकि क्रोमोसोम नंबर 11 हीमोग्लोबिन के बीटा चेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोसोम नंबर 11 के दोनों जीन में म्यूटेशन की वजह से, खराबी की वजह से बीटा चेन सही तरीके से नहीं बन पाता, जिसके कारण हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में डिफेक्ट आता है, हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में कमी रह जाता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन डिफर फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रक्रिया पूरा नहीं होने की वजह से सिकल सेल हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन से डिफर होता है, लेकिन यह हर जगह अलग नहीं होता। ओनली इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अमाइनो एसिड वलाइन फॉर ग्लूटामिन इन बोथ बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल, यानी कि यह केवल वहाँ होता है जहाँ पर अमाइनो एसिड वलाइन ने अमाइनो एसिड ग्लूटामिन को प्रतिस्थापित कर दिया है। कहने का मतलब, जहाँ पर ग्लूटामिन अमाइनो एसिड होना था, वहाँ पर अमाइनो एसिड वलाइन का सब्स्टिट्यूशन हो गया है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी दूसरे की जगह पर आ जाना, मतलब हीमोग्लोबिन के दोनों बीटा चेन में इनकरेक्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। यहाँ ग्लूटामिन की जगह पर अमाइनो एसिड वलाइन आ गया है, ग्लूटामिन की जगह पर अमाइनो एसिड वलाइन है। हीमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड कहाँ से आया करके सोच रहे होंगे, इसे जानने के लिए आपको और डीप में बीटा चेन के जीन की स्टडी करना होगा। खैर, मैं उतना डीप नहीं जा रहा, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बीटा चेन 147 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है, यानी कि बीटा चेन की जीन की स्टडी करने पर हमें 147 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस मिलता है, जिसमें का फर्स्ट 6 अमाइनो एसिड का नाम है वलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रेओनिन, प्रोलिन और ग्लूटामिक एसिड। इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है, वहाँ पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड वलाइन का रिप्लेसमेंट हो गया है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वलाइन है। When sickle cell hemoglobin is oxygenated, it has same globular shape as normal hemoglobin. जब sickle cell hemoglobin oxygenated होता है, यानी कि sickle cell hemoglobin को पूरा oxygen मिलता है, तो RBC normal shape में होता है, normal आकार में होता है। लेकिन when sickle cell hemoglobin offloads oxygen, यानी कि जब sickle cell hemoglobin oxygen को खुद से खाली करता है, तो ये ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इनसॉल्युबल बन जाता है। इनसॉल्युबल मींस